यूरेथ्रल स्ट्रक्चर के ट्रीटमेंट में हर पर्सन टू पर्सन जो इम्प्रूवमेंट होता है वो अलग अलग होता है। होता क्या है कि एक पेशेंट को जब भी दवा दी जाती है तो वो टोटलिटी बेस की दवा दी जाती है, उसकी पूरी केस हिस्ट्री ली जाती है, आफ्टर दिन उसके सिम्टम्स को एनालाइज किया जाता है, तब फिर हमारे पास केस को भेजा जाता है, मैं उसको फर्दर फिर कंफर्म करके जो दवाइयाँ होती हैं मैं दे देता हूँ। एक दवा कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, डिपेंड ये करता है पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी उस पर्टिकुलर मेडिसिन के लिए। और ये इंटरमीडिएट हाई पोटेंसी की दवाइयों का मैजिक है जिसकी वजह से कई केसेस में बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। ऐसे एक पेशेंट हमारे हैं जो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं और उनको मैंने अक्टूबर से मैंने उनका इलाज शुरू किया था। आइए उनकी बात सुनते हैं और देखते हैं कि कितना जल्दी उनको इम्प्रूवमेंट मिला। उन्होंने हमें एक चार्ट मैसेज किया है, यूरिन एनालिसिस का चार्ट, और उनकी यूरिन एनालिसिस चार्ट में 500 या 500+ ml यूरिन केवल 40 सेकंड के अंदर हो जाए, यानी एवरेज यूरिन फ्लो इज मच गुड। चलिए उनसे बात करते हैं तो फिर देखते हैं कि होम्योपैथिक दवाइयों का कितना अच्छा मैजिक है। स्ट्रक्चर के केसेस में फिर दोबारा बोलना चाहूँगा, सारे केसेस में इतना जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, टाइम लगता है, क्योंकि कई बार पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी मेडिसिन के लिए अलग अलग होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि उनको कितना आराम मिलता है। आलोक जी को कितना रिलीफ मिला और आफ्टर दिन चार्ज दिया। हेलो। आलोक सर, एक चीज और पूछना था हमें कि अब ब्लड में यूरिन में ब्लड एकदम नहीं आ रहा है ना? नहीं, सर वो बंद हो गया है। अच्छा, उसको बंद हुए लगभग कितने दिन हो गए? फर्स्ट वो सर आपने फास्ट जो डोज दिया था, डोज जो दिया था उसी से आराम मिल गया था। उसी दौरान 15 10 तक 15 दिन के अंदर वो बंद हो गया है। वेरी गुड सर। अच्छा, ये जो आपने दिसंबर की हमें चार्ट भेजी है इसमें, अच्छा पहले आपने बताया था कि सवेरे यूरिन करने में आपको दिक्कत ज़्यादा होती थी, और ये जो आपने फाइव हाँ, फिफ्टी टू का हमें सवेरे का वो, इसमें 700 ml के आसपास यूरिन है केवल 52 मिनट में, तो अब ये माना जा सकता है कि मॉर्निंग में अब आपको दिक्कत एकदम लगभग ना के बराबर हो रही है? वो मैंने कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, चलिए लेकिन मन में सर लेकिन मन में एक मेरा खोट है कि कुछ सीरीज के अंदर कुछ ना कुछ है, ऐसा लगता है। मतलब आपको एक सेंसेशन महसूस होता है कि जो आपकी यूरेथ्रा है उसके अंदर कुछ है। चलिए कोई नहीं। अच्छा, एक एक ऐसा आपसे महसूस होता है, लेकिन लेकिन वार्निंग पेन वो ब्लड आना वो सब बंद हो गया है। यूरिन वेरी गुड। अच्छा में मैं खड़े होकर यूरिन करने में कोई परेशान नहीं होता है, पहले वेरी परेशान होता है खड़े होकर। गुड। आलो, ये एक चीज और पूछना चाहूंगा कि एक आम पब्लिक के अंदर एक मिथ है कि होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत धीमे धीमे काम करती हैं, आपके इसके बारे में क्या ओपिनियन ना सर, मैंने आपको चॉइस किया था इसीलिए, आपको तो मैंने है? बहुत वीडियो देखा था, जी देख के ऐसा लगा कि आप मतलब यूरिन के स्पेशलिस्ट है, ऐसा मालूम हुआ था। नहीं, यूरिन के स्पेशलिस्ट नहीं है मैं इसीलिए भी। मतलब हमने बहुत बहुत डॉक्टर सर्च किया है, लेकिन आपको वीडियो देखकर लगता है आपने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, लेकिन मुझे लगता है आप यूरिन के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, नहीं है ऐसा हरा मुझे लगा, इसीलिए आपका आपसे कोई कनेक्शन हुआ है। नहीं, स्ट्रक्चर के ढेर सारे केसेस देखे गए, मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ यूरिन का, बस केवल इतनी सी बात होती है कि हर एक डॉक्टर को अपना काम सही तरीके से करना होता है। और दूसरी सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट चीज, जो ये नई तरह की मेडिसिन है इंटरमीडिएट हाई पोटेंसी की, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। ऑल क्रेडिट जो जाता है वो नई स्केल ऑफ द मेडिसिन को जाता है जिसकी वजह से इतना जल्दी इम्प्रूवमेंट मिलता है। सबसे बड़ी बात पेशेंट की भी होती लेकिन है कि पेशेंट भी सीरियसली अपने ट्रीटमेंट को लेता है, प्रिकॉशन को सीरियसली फॉलो करता है और इसलिए रिकवर करता है। विश्वास मानिए, स्ट्रक्चर के सारे केसेज में सारे मरीज रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, 50% केसेज में तो नहीं ही रिस्पॉन्स करते हैं, क्योंकि एक पेशेंट उम्मीद लगाए बैठा रहता है कि मैजिक वाली दवा की, मैजिक वाली दवा मिलेगी हम ठीक हो जाएंगे, जबकि मैजिक मरीज के अंदर खुद होता है। यदि वो सही तरीके से ट्रीटमेंट को फॉलो करे तो जरूर ठीक होगा। ठीक है सर, मैं आपकी दवाइयाँ अरेंज करता हूँ और अगली बार फिर एक चार्ट के साथ मेरा मिलन हुआ। डॉक्टर सर एक और बात बोलनी है। मैं तो रिलेशनशिप में नहीं हूँ, तो रात में वो नाइटफॉल हुआ था 2 बार। उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है, कई बार ऐसा होता है कि डिस्चार्ज के बाद से यूरिन का फ्लो जो होता है वो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, धीरे धीरे करके वो भी ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे पैसेज और क्लियर होता जाएगा ये चीजें और भी ठीक होती चली जाएंगी। ठीक है सर, हाँ, और
और डॉक्टर वो जो पहले जो नाइट पल्स होता था वो उसके नाइट पल्स के बाद मॉर्निंग में वो कटिंग पेन होता था, आप तो पूरा बंद हो गया है। वेरी गुड। इसका सीधा मतलब यह है कि जो जितना ऑब्स्ट्रक्शन वो क्रिएट करता था, अब वो डिस्चार्ज के बाद से इतना ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, सब कुछ डॉक्टर डॉक्टर सर है। और पेनिस के अंदर जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा मतलब क्लीन होना चाहिए, पर आपके ऊपर एकदम बहुत भरोसा है। नहीं, पहले से बहुत ठीक है, वो यूरिन की फ्लो ठीक। यूरिन से जब दवाई लेता था एलोपैथी में, वो एलोपैथी के दवाई लेने के बाद मेरा वो ये पाइल्स पाइल्स हुआ था, पाइल्स फिशर फिस्टुला हुआ था। अच्छा, मतलब इतनी ज्यादा आपने दवा खा ली थी उसकी वजह से फिसर हो गया था आपको। मैं तो परेशान हो गया, डॉक्टर को बोला जो एलोपैथी जो आपने जो दवाई दिया है तो ये प्रॉब्लम के लिए, तो आपने तो नहीं बताया। तब भी मैंने डिसीजन लिया, जब आपको वीडियो देखा, देख के बताया उस डॉक्टर को, मुकेश कुमार विजय था, मुकेश कुमार विजय को बात दिए थे, आपको विजिट किया है। कोई नहीं सर, एकदम परेशान आपको नहीं एक साल हूँ। बाद आपको पहले जाओ, एक साल बाद आपको विजिट करना था, चलो हम ऑपरेशन तो नहीं हुआ। नहीं, इसकी एकदम जरूरत नहीं हो रहे है, और अभी हमारे देखने में सब कुछ ठीक चल रहा है। हमें लगता है कि इसको हम लोग हाँ फॉलो करें, वेट एंड वॉच करें, और उम्मीद करते हैं कि काफी हद तक इम्प्रूवमेंट आएगा इसमें। हाँ ठीक सर, मैं ठीक है दवाई आपसे डॉक्टर, अरेंज ठीक करता हूँ, मैं हाँ हाँ पूछता हूँ। ओके सर, ओके। ठीक सबसे जो जरूरी बात होती है, अपना काम ईमानदारी से किया जाए, दवाइयों को रेगुलर लिया जाए। देखिए, सारे लोग ठीक नहीं होते हैं, टू द फ्रेंक, बस जरूरत केवल इस बात की होती है कि कम से कम रिकवरी की प्रोसेस के लिए जितना हम मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, उतना डिपेंडेंट होने के साथ साथ हम अपनी तरफ से क्या एफर्ट कर रहे हैं। यदि प्रिकॉशन को स्ट्रिक्टली लिया जाए तो नो डाउट ऐसे केसेस सही होते हैं। जरूरत है सही तरीके से प्रोसीड करें। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो बाकी लोगों को भी शेयर करिएगा।